हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ द मूवी ट्रेलर एंड मूवी नेम इज मराकर। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उसमें रिएक्शन, और जो कि आप कह लें कि ट्रेलर जो है तमिल लैंग्वेज में डब हुआ हुआ है, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। யார் அந்த குஞ்ஞாலி? பார்த்தவர்கள் உயிரோடு இருப்பதில்லை, அறிந்தவர்களும் தெரியாது என்பார்கள். அவரை பற்றி ஒட்டப்படும் சுவரொட்டிகள் பசை காய்வதற்கு முன்பே கிழி தெரியப்படுகின்றன. தூரத்தில் நடவாக பார்த்தவர்கள் அவரை கை கூப்பி வணங்குகிறார்கள். Very nice, great, awesome. तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। मलयालम लैंग्वेज मूवी है ये वैसे, और इसको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब किया गया है, जैसे आप कह लें हिंदी में किया है, तमिल में किया है, और कनाडा में किया है, जो कि आप कह लें कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कमाल की बात है कि, और मलयालम में तो आपको मिलेगी। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के अंदर आपको आसानी मिल सकेगी और आप इसे देख सकेंगे और अपनी ज़बान में इसको एंजॉय कर सकेंगे। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव मलयालम मूवी है, जो कि आप कह लें कि जिसका बजट 100 करोड़ है, जो कि आप कह लें कि पहली फिल्म होगी जो कि आप कह लें मलयालम की, जो कि इतने महंगे बजट के साथ बनी है। और इसमें आप देख सकेंगे एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा, जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और इसको डायरेक्ट किया है, और इसके राइटर हैं प्रियदर्शन, और ये बनी है आशीर्वाद सिनेमास के बैनर तले। और इसकी जो कास्ट में शामिल है वो है मोहन लाल और पनारा, मोहन लाल, अर्जुन, सुनील शेट्टी प्रभु और कल्याण प्रियदर्शन, फाजिल सिद्दीकी, अशोक सेलवान वगैरह वगैरह शामिल है। कास्ट काफ़ी तवील है, लेकिन मैंने मुख्तसर आपसे मेन खास कास्ट कास्ट का जिक्र किया। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ दिखाया गया है, जानदार और शानदार किस्म का परफॉर्मेंस से भरपूर स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, लोकेशन, एक चीज़ बहुत कमाल की, एक्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और आप कह लें कि ज़ाहिर है हिस्टोरिकल ड्रामा टाइप मूवी है, तो एक्शन तो उसमें बनेगा और होता भी है उसमें, और जैसे कि होती है ना मूवीज़, तो पुराने ज़माने में जो होता था एक्शन उसी तरह का आया, जो कि बड़े अच्छे अंदाज के साथ बनाया गया है, जो कि बहुत कमाल का लग रहा है। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो भरपूर तरीके के साथ इंजॉय कर सकेंगे। सब ने काम बहुत बेहतरीन तरीके का किया है, परफेक्ट तरीके के साथ अपनी अदाकारी के बेहतरीन जौहर दिखाए, और मूवी का जो ट्रेलर है मूवी की तमाम नुमाया खसूसियात की
तमाम पहलुओं को वाजे करके बेहतरीन तरीके से उजागर करके मूवी के गोशे गोशे में चार चांद लगा के उसकी अहमियत को उभार रहा है, निखार रहा है और काफ़ी परफेक्ट तरीके से मूवी की अक्कासी कर रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सबने बड़ा आप कहने के अपनी बेहतरीन अदाकारी की है और नज़र भी आ रहा है, और सब डायलॉग और आप कहने जोश जज्बा और जुनून सब कुछ बहुत कमाल का है। जब आप इसे देख रहे होंगे इस मूवी को तो भरपूर तरीके के साथ इन्जॉय कर सकेंगे। बहुत मेहनत के साथ बनाई गई है, काफ़ी एक्सपेंसिव मूवी और काफ़ी अच्छे अंदाज के साथ सभी की चीज़ को निभाया है, जो कि नज़र भी आ रहा है। भरपूर तरीके के साथ आप इसको इन्जॉय करेंगे, मज़ा आ जाएगा इसे देखिए, आप इसे ज़रूर देखें। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसको मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी, आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियंस। एंड डोंट फर्गेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।